अपने आप घूम रहा है, क्रैश हो गया ये। हम अपने पासिंग मांग रहा कितना देर से, रुको। पूरा काला बादल में पूरा छांव पड़ा हुआ माउंटेन है, पुरने जाता ही है ये, पुरने जाएगा। शांत को देखो कहाँ नीचे। एक दो दिल्ली रेस्ट, तीन हो गया, चार को पहुंचे हम लोग मनाली, पांच को पहुंचे कांडी, छह को पहुंचे गोम्बो, सातवा तो निशांत का फोर्थ डे, हम लोग का सातवा दिन, तो राइड का सातवा दिन है। और यहाँ पे हम गोम्बो रंजन पहुंच गए थे छठे दिन पे, और यहाँ पे हमने करा था कैंपिंग, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर करा है। और आज का हमारा जो जर्नी होने वाला है वो होने वाला है गोम्बो रंजन से वाया करगिया पुरने होते हुए हम लोग जाएंगे पदम। तो रास्ता दो है, एक नया वाला रास्ता है जो बना हुआ है, कहीं कहीं पे खराब है, और दूसरा रास्ता है खराब वाला, वो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं सोमो चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो, एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय लद्दाख 2024 सीरीज। शुरू करते हैं अपना जर्नी गोम्बो रंजन से टूवर्ड्स पदम। दादा का 650 GTV पैकअप हो गया एकदम पूरा बढ़िया से, पीपल आर एस्टोनिश्ड, जो भी आ रहा है देख रहा है भाई जीटी में कैसे, दिस इज द क्वेश्चन विच इज फेसिंग ऑलवेज। और एक्सपल्स इज द किंग ऑफ ऑफ रोड्स, एकदम लाइट वेट मशीन है, पावरफुल है, बस निकालने के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। लेकिन वहाँ पे है एक गेंडा जो भारी है, पावरफुल है, सब कुछ है, लेकिन चलाने वाले के ऊपर सारा स्ट्रेस आता है। निकलते हैं इन तीनों को लेके टूवर्ड्स पदम। सब कुछ ना हार्ड हार्ड सा हो गया यहाँ पे, अजीब सा हार्ड हो गया ठंड की वजह से। चलो भाई चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं अपना। एकदम सीधा, पहले से ना वो मोमेंटम लेके आना था, वहां पे स्लो नहीं होना था। चलो 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 निकल गया, चलो स्टार्ट करते हैं अपना राइड। आगे सब ऊपर ऊपर, यहाँ पे थोड़ा चक्का स्किड करेगा मेरा, ये छोटा सा बाथरूम था यूज करने के लिए। ठीक है भाई भाई, बहुत सारे कैंप बन गए अभी, तीन चार कैंप है यहाँ पे, एक जहाँ पे हम लोग रुके थे ये एक है, और मेन जहाँ से जो पुराना रास्ता था वहाँ पे एक कैंप है, यहाँ पे भी एक बना हुआ है, रूम्स अवेलेबल। तो कोई अगर थका हारा पहुँचता भी है मनाली से तो यहाँ पे रुकने का बहुत सारा जगह है। तो आज हम चलाएंगे पदम तक, फिर देखेंगे पदम में अगर एनर्जी रहा तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, अगर एनर्जी नहीं रहा तो पदम में ही रुक जाएंगे। लूज ग्रेवल्स में आज जीटी का होने वाला थोड़ा दिक्कत यार, इनके पीछे रहा नहीं जाएगा, अचानक से स्लो हो जा रहे। मैं तो चलो बढ़िया से निकाल लूँगा यहाँ पे, आराम आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा दूर तक ऐसा ऐसा है, फिर कहीं कहीं पर रोड बना हुआ है तो मिक्स्ड टेरेन मिलेगा। ये लूज ग्रेवल्स वाला थोड़ा सा डर लगता है, जिसको भी कोई भी नया बंदा होगा ना उसको डर लगेगा, लेकिन जो बंदा हैंडल को कंट्रोल करना सीख जाएगा ना बाइक के, कि एकदम लूज रख के सीधा निकालना है, वो संभाल लेगा। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जांस्कर वैली, बाय द वे वेलकम टू जांस्कर वैली। हाँ, शिंकुला के बाद जो वैली स्टार्ट होता है एकदम पेंसिला पास तक, वो पूरा जांस्कर वैली है। तो लद्दाख का ये जो रीजन है जांस्कर, ये अभी भी ना मतलब उतना ज़्यादा कमर्शियलाइज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। पदम विल बी द सेकेंड ले, इस पहाड़ी के उस तरफ जो ले वाला एरिया है ना जितना भी है, वो सारे पूरे एकदम कमर्शियलाइज है। तो यहाँ पे टूरिज्म धीरे धीरे डेवलप हो रहा है अभी। कितना मस्त व्यूज है, रास्ता भी कितना बढ़िया बना हुआ यार। ये तो ड्रोन खराब हो गया, अपने आप घूम रहा है, क्रैश हो गया, ये ड्रोन क्रैश हो गया, ये टूट गया, ये पैर टूट गया। हाँ, ड्रोन शॉट ले रहा था मैं, लेकिन ना मेरे को फॉलो ठीक से नहीं हो पा रहा, तो फॉलो ठीक से सीखना पड़ेगा मेरे को, करना पड़ेगा एक बार बढ़िया से। इसको ज़्यादा देर ऑन नहीं रख सकते, मतलब ऑन करते साथ ही गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो बैटरी में लोड आ रहा है। देखो यार कितना मस्त लग रहा है, दोनों तरफ माउंटेन्स, जितना बार आओ जितना बार देखो कभी ये व्यूज़ आपको पुराने नहीं लगेंगे, आपको लगेंगे कि नहीं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऐसा फीलिंग आएगा। ये जो रास्ता है ना, इसको मतलब 100-100 पे भी भगा सकता हूँ मैं गाड़ी चाहूँ तो, लेकिन ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, अचानक से ऐसे उठ के जो टर्न आ जाएगा ना, तो वो उसमें पता नहीं चलेगा रोड। अभी तो चलो सीधा दिख रहा है, खींच सकते हैं। वेलकम टू द फर्स्ट विलेज ऑफ जांस्कर आफ्टर गोम्बो।
ये है करगियाख। गोनबो एक्चुअली कोई विलेज नहीं है, गोनबो जस्ट गोनबो इज द नेम ऑफ द माउंटेन। वहाँ पे अभी कैंप्स बन गए हैं, बट जो पहला विलेज होता है वो है करगियाख। यहाँ पे कैफेटेरिया है, थोड़ा रुकेंगे और हमारी बाइक्स की एंट्री भी होगी यहाँ पे। और यहाँ जियो का पूरा टावर आएगा, एकदम खतरनाक वाला टावर आएगा। तो पहुँच गए हम करगियाख, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जब टेंट वेंट पैक करके चले थे तो ब्रेकफास्ट नहीं करे थे। और यहाँ पे पता है टेम्परेचर कितना हो रहा है, 22 डिग्री हो रहा है, 22 डिग्री जैसा टेम्परेचर था तांडी में, बिल्कुल वैसे टेम्परेचर हो रहा है इतने ऑल्टीट्यूड पे भी आके। बट हवा मस्त चल रहा है, हवा चल रहा है करके थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। जहाँ पे हवा रुक जा रहा है ना तो वो दिक्कत हो जा रहा, पूरा एकदम पसीना पसीना आने लग रहा है। और जो चेक पोस्ट पहले वहाँ पीछे हुआ करता था, पीछे गोनबो का व्यू मिल रहा है, वो अभी सामने एकदम कर गया जहाँ पे शुरू होता है जांसगर के तरफ से, वहाँ पे कर दिया। यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलो वही चलते हैं, पेट भर के खा लिए एकदम, बहुत जोर भूख लग गया था। याक घोड़े सब कुछ लेके जा रहे, अरे डरा दिया तुमने याक को यार। यहाँ पे होगा बाइक का एंट्री, क्या चीज़? हाँ तीन बाइक, एक वाइट कलर होगा, नहीं एक्सपल्स, नहीं 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 एंट्री करा दो एंट्री। चलो चलो एंट्री करो, आ जाओ एंट्री करा के मैं बाइक के पास वेट कर लूँ। चलो भाई यहाँ पे आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी था मैं दिखा दिया। चलो भाई हो गया एंट्री, वेलकम टू जांसगर भाई वंस अगेन। कितना बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ। यहाँ से पदुम का डिस्टेंस लगभग, टाइम में ही बताता हूँ, 4 घंटे के आसपास लग सकता है अगर कंटिन्यूसली चलाए, और अगर हम लोग वेट कर करके जाए, फ़ोटो वोटो खींच के जाए तो उसमें लग जाएगा 5 से 6 घंटे। आगे का रास्ता पता नहीं है, क्योंकि पूर्णे वाला जो रास्ता था वो बहुत ही बेकार रास्ता था, अभी शायद नया रोड बन गया है तो वो आगे चलकर ही पता चलेगा क्या है कंडीशन। मेरे को याद है यहीं पे कहीं जब मैं राइड करके जा रहा था शिंकुला की तरफ, इस तरफ यहाँ पे एक ट्रक वाला मिला था, बोलता इधर किधर जा रहे हो, बोले यहाँ से वापस जाते हो, अभी इधर मत जाओ रास्ता बंद मिलेगा, ऐसे करके डरा रहा था मेरे को। और बारिश भी हो रहा था उस वक्त यहाँ पे, वो चीज़ वो मतलब वो सब दिन याद आ रहा मेरे को अभी। इसको स्पीड में चलाऊँगा तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन भैया है ना वो GT लेके, तो उनके पीछे पीछे ही जा रहा हूँ, अगर कुछ दिक्कत हुआ तो फिर रहूँगा, कोई कोई ना कोई तो रहना चाहिए ना, इसलिए स्लो जा रहा हूँ। ये पुणे जाता है, ये पुणे जाएगा फिर रास्ता बंद है, लेकिन ये पुणे नहीं जाता है। चलो रास्ता बंद है पुणे की तरफ का, पूछ लिया भाई ये वाला अच्छा रास्ता ना, तो हाँ ठीक है चलो, ये ऊपर ऊपर से जा रहा है, देखते हैं कौन सा क्या है रास्ता। हाँ ये वाला रास्ता शायद उस पहाड़ी पे लेके जाएगा, हाँ सही है सही है सही है, उस पे कटिंग का काम चल रहा बोल के इसमें से छोड़ रहे ट्रैफिक। ये वाला शायद करगियाख रिवर है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, यह करगियाख रिवर है और ये जाके मिलेगा पुणे में सराप रिवर से, दोनों फिर रिवर मिलके जाता है उधर झांसकर की तरफ। नहीं ये नया रास्ता है, वो पुराना रास्ता है, क्योंकि इसमें से मैं नहीं आया था, मैं उधर उधर से ही गया था, ऐसा कोई ब्रिज मिला नहीं था मेरे को इस रोड में। और ऊपर से पत्थर बहुत आते हैं, ये देखो ना रास्ते के बीच में जम गए सब, गाड़ी जा जा के यहाँ पे, वही डर है यहाँ पे पत्थर खुल के ना गिरे यार, बाइक चलाते रहो बीच में रुकने का मन भी नहीं करेगा कहीं पे। रास्ता भी बहुत पतला है, सामने से भी ट्रैफिक एकदम तेजी से आ रहा है, वो फोर व्हील ड्राइव वाले सब, भाई बहुत टर्न है यार ऐसे छोटा रोड में, इतना बड़ा गाड़ी लेके संभाल रहा हूँ मैं। ये करगियाख से पदुम वाले रास्ते में ना बहुत सारे छोटे छोटे गांव आते हैं, मैं जब लास्ट टाइम उस तरफ से जा रहा था इस तरफ सारा गाँव दिख रहा था, अभी सारे गाँव के अंदर अंदर से जा रहे हैं। इस गाँव का नाम है कुरु, इतना प्यारा प्यारा दिखने में ना, सारा घर मिट्टी वाला घर है और खेती वेती कर रखे हैं यहाँ पे, वीट है शायद, तो देख के मन करेगा कि यहीं रुक जाए। सारा गांव इतना लेड बैक है, ऊपर से इतना बेहतरीन व्यूज देखो भाई। देखो इस गांव का नाम है याल गांव, ये भी सारे ट्रेडिशनल होम्स है, और ऊपर में जो घास फूस रखा हुआ ना सबके घरों के ऊपर, ये लोग जमा के रखते हैं, ये विंटर्स में काम आता है अपने कैटल को खिलाने के लिए। रास्ता जिससे मैं गया था यहाँ से दिख रहा है पूरा ब्लास्टिंग का काम चल रहा है, वहाँ पे तोड़ फोड़ के मिट्टी 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 उड़ रहा है पूरा। हम लोग जो रास्ते से जा रहे हैं वहाँ से ये पुणे गांव दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे हो गया करगियाख रिवर,
वो हो गया सराप रिवर, तो दोनों वहाँ पे कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। पुरने वाला ब्रिज जहाँ पे होम स्टे पे रुका था वो सब दिख रहा है। एंड भाई पूरा मडी मडी वाला रोड है वो, एकदम मुल्तानी मिट्टी टाइप का खतरनाक रोड था, मैं लास्ट टाइम किया था वही रोड। और वो जो चढ़ाई है ना वहाँ पे, वो वाला चढ़ाई वहाँ तो और खतरनाक मिट्टी होता है, पूरा मिट्टी वाला पहाड़ है। ऐसे ये पहाड़ जो मिट्टी मिट्टी है ना वैसा मिट्टी वाला पहाड़ है भाई। ये मज़ा आ रहा है यहाँ, पुणे का पूरा एकदम टॉप व्यू मिलेगा इस तरह से मैं सोचा नहीं था। अच्छा ये रोड देख के तो और डेंजर ही है, ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ। लगा था अचानक अचानक टर्निंग आ रहा है, टेंशन हो जा रहा है। बोले उधर से जाते थे तो ये रोड देखते थे खराब है, ये तो बढ़िया रोड है, चलो आगे बढ़े। हाँ उसमें तो सब धूल उड़ा के जा, वही वाला तो था। हाँ यही वाला चढ़ाई मैं बात कर रहा था। हाँ पीछे भी वो वाला, ये जिगजग वाला खतरनाक लग रहा था। लेकिन चलो भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, रोड्स के मज़े लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेफली चलाते रहो भाई। वो देखो वो चढ़ाई यहाँ पे पता नहीं चलता एक्शन कैमरा में, कभी भी कोई भी एक्शन कैमरा में, वो वहाँ ऊपर से उतरता है नीचे सीधा ऐसे। वो सब रास्ते से चलाया था मैं अपना हिमालयन को फुल्ली लोडेड कंडीशन में। भाई हल्का फुल्का बूंदाबांदी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और ठंडा एकदम, बारिश का पानी भी ना वो नदी का पानी जैसा वैसा ही ठंडा आके आँख में लग रहा है। ये सब जगह बहुत सूखा रहता है यार, यहाँ पे कभी बारिश बहुत कम होता है। अभी अचानक से ऐसा कैसा बारिश होने लगा, कल रात भर बारिश हुआ, अभी भी बारिश हो रहा है। चलो भाई ये रास्ता ख़त्म, अब इसके बाद वो पुराने वाले रास्ते में जोड़ देगा जो ओरिजिनल रोड है। ये बाईपास हो गया, पुरने बाईपास। बारिश हुआ यहाँ ज़ोरदार एकदम, पूरा रास्ता गीला है। अब पता नहीं कहाँ तक ऐसा है, कहाँ तक रास्ता बना हुआ है। वो वाला रास्ता तो उतना दूर तक ठीक था, TACTANG सेतांग गाँव का नाम था। मैं यहाँ पर रुक के दिखा रहा हूँ कि कितना डाउन है, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ, वो निशांत को देखो कहाँ नीचे है। थोड़ा डिस्टेंस बना के चलना ही बेटर है यहाँ पे। गलती कर दिया क्या लेफ्ट से आके, ऐसा क्यों फील हो रहा है मेरे को। अरे चलो चलो सी, ठीक है ठीक ठीक ठीक, ऑल राइट ऑल गुड, नेचर मोटो डोंट बी स्केर्ड, we have ridden bigger journeys than this. देख के यार क्या निकला हुआ इसका, इतना डंडा वंडा निकाल के रखा इतना बड़ा। ओ भाई BMW इसको मैं रख दिया डायनामिक मोड में भाई, कब पत्थर खुल के गिरेगा ऐसा लग रहा है देख के। पूरा प्योर ऑफ रोडिंग है ना, एड्रेनालिन रश आ रहा है पूरा एकदम। ये सामने टोयोटा वाला बहुत धूल उड़ा रहा है, साइड भी नहीं दे रहा है। बहुत देर से साइड मांग रहा हूँ इसको, इज्जत से साइड मांग रहा हूँ, साइड नहीं दे रहा है। तुम्हें दाढ़ी जाता एकदम रास्ता माझखाने, दाढ़ी जाओ रास्ता माझखाने, दाढ़ी जाओ अभी अगले साल जो लोग आएंगे ना ये रोड भी बना हुआ मिलेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा जांसकर। ये जो ऑफ रोड है ये भी तो मैनमेड ऑफ रोड है, वो क्या बोलते हैं वो जेसीबी वगैरह जा जाकर ना उसका चक्का का वो ग्रूव्स बन गया, इसलिए वो घर कर रहे, नहीं तो सीधा ही निकल सकता है भाई। नदी में पानी का फ्लो देखो कितना खतरनाक है। तो भाई ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं रेडू गांव। यहाँ से लेके पदम तक का रास्ता लास्ट टाइम में जब आया था बहुत अच्छा था, आई गेस अभी भी अच्छा होगा। थोड़ा थोड़ा एक तो जगह पे जहाँ पे ब्रिज विज बन रहे ना वहाँ पे शायद खराब हो सकता रास्ता। अरे मेरा मर्जी मेरा रास्ता है, हम कहीं भी जाए, तुम भी तो धूल उड़ा रहे हो, तुम्हारा रास्ता है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हम लोग आपके एरिया में आके इज्जत देते हैं सबको। हम आपसे पासिंग मांग रहा कितना देर से, रुको रुको पहले रुको, पहले मेरे को बोलने दो। कितना देर से हम हॉर्न मारा, एक भी हॉर्न नहीं मारा, हम हाई बीम लो बीम करके पासिंग मांग रहे, आप पूरा धूल उड़ा के आ रहा है। हाँ उड़ेगा, आप तो फोर व्हीलर में है, आप तो फोर व्हीलर में है, हम लोग तो बाइक में है। बाइक में बैठ के देखो,
बाइक में बैठ के तो ये आपकी मर्जी से है ना, हम नहीं चलना बाइक पे। तो फिर तो इतना तेज चलाने का क्या है, हाँ इतना तेज चलाने का क्या है, इज्जत से चलाओ ठीक है ना। पूरा रिकॉर्डिंग है, तुम कैसा जबरदस्ती साइड मांग रहे, तुम राइट दबा रहा गाड़ी, हाँ खरीदा हुआ रास्ता है, रास्ता खरीद लिया आप, जाओ बैक करो, जाओ निकलो, जैसा चलाना है चलाओ जाओ। चलो भाई सूखा सूखा से निकाल लेती है अगले वाटर क्रॉसिंग पे, सही जा रहे ना, यही तो रास्ता है, एकदम सही जगह से निकाल ले, वाटर क्रॉसिंग है, हाँ आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ये बहुत भारी लग रहा गाड़ी यार, हम यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगा, गाड़ी मोमेंटम में रहता फिर उसको निकाल दो कहीं पे भी, रुक जाएगा तो फिर दिक्कत है। पदुम 15 वेट करते हैं निशांत का थोड़ा, आ जाओ। मज़ा आ गया भाई ऑफ रोडिंग करके, पूरा BMW अच्छा चलाया भाई, अच्छा चलाया भाई, मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि, ऐसा नहीं लग रहा था कि नया बाइक चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि नहीं हाथ सेट है इस बाइक पे, तो ऐसा ही फीलिंग आया पूरा। और यहाँ रेरू के बाद तो रास्ता अच्छा है, बस पदम रह गया 15 किलोमीटर, और बीच में छोटा सा इंसिडेंट आपने जो देखा यार, मैं देखो चलाता हूँ एकदम ठंडा दिमाग से, बस हॉर्न भी नहीं मारा मैं उसको, मतलब वो हाई बीम पासिंग लाइट मार के मैं उसको साइड मांग रहा था, लेकिन वो धूल उड़ा के और तेज दाएं की तरफ दबा दे रहा है, निकलने नहीं दे रहा है। फिर जैसे तैसे तो हम लोग निकल गए, फिर वो आके मेरे को ज्ञान दे रहा है कि तुम्हारा दोस्त पीछे रह गया, उसके साथ जाकर चलाओ। भाई मेरा मर्जी है, मैं जैसा चलाऊंगा ना, इसमें क्या है यार, तुम आके मेरे को बोल रहे हो तुम तो धूल उड़ा के चल रहे हो, तुमसे साइड मांग रहे, साइड बाइक से तेज चल जाओगे, ऐसा एटीट्यूड में मतलब तुम्हारी जगह पे आते इज्जत दे के रहते तो तुम लोग भी इज्जत दो उल्टा, ऐसा करके धूल उड़ा के क्या जा रहे हो, मतलब और तेज बन रहा था वो बंदा। चलो कोई नहीं, निकल गया वो अपना, मैं भी हम लोग भी रुक गए, थोड़ा दिमाग ठंडा रख के आगे बढ़ते पदम के तरफ। ये रेरू गांव के बाद ना दो इंटरेस्टिंग जगह है, एक है वो मनेगुम्पा और ये बर्दान गुम्पा। यहाँ पे कुछ तो फेस्टिवल चल रहा है यार, आज तो कुछ है स्पेशल डे, इसीलिए लोग मतलब पूरा भीड़ हो रहा है। अरे यार, अरे पत्थर है यार नीचे, हाँ निकल रहा सीधा सीधा, ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ, हाँ सही है, एकदम प्लेन है। पदुम घुसने के पहले यहाँ ये राइट में जो गांव आ रहा है ना, इस गांव का नाम है शीला वाटरफॉल, लेकिन इस गांव को देखने के लिए थोड़ा घूम के वापस आना पड़ता उस साइड से, है ना, लेजी फील होता है मेरे को। तो मैं पिछले बार तो मतलब ऐसे मोबाइल से जूम करके दिखाया था वो गांव, लेकिन इस बार बहुत ही प्यारे शॉट्स आए, ड्रोन शॉट्स आए इस गाँव के, पूरा शीला वाटरफॉल एकदम पानी से भरा हुआ मस्त दिख रहा था। पदुम 1 किलोमीटर, और ये सामने पहाड़ी सब देखो यार, ये मतलब पूरे से सिंगल माउंटेन है, वहाँ पे मोनेस्ट्री भी है, वो मैं जाऊँगा शायद घूमने के लिए आज, देखते हैं समय क्या बोलता है, क्योंकि ऑलरेडी 2:30 हो गया है, और उसके साथ पूरा काला बादल में पूरा छांव पड़ा हुआ है माउंटेन यार। ये घर कैसे इस चट्टान पर टिका हुआ है ठीक है, और इस चट्टान के नीचे एक सेंट्रो रखा हुआ है खतरनाक है, गिर जाएगा चट्टान, ये सेंट्रो भी दब जाएगा। नाज गेस्ट हाउस पदम, ये वाला पार्ट जो है ना ये ओल्ड पदम है, यहाँ पे सारा मिट्टी मिट्टी वाला घर है, और इस तरफ है न्यू पदम। हेलो वेलकम टू पदम, तोड़ दे रहा है यार पदम में, ये रोड वाइडनिंग होगा क्या यहाँ पे, लग तो रहा है वैसे ही, सब दुकान वकान सब तोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत कुछ था, ये तो पदम मार्केट ही तो था, यहीं पे खाना खाने आया था मैं भाई। पदम मार्केट एंटर करने के बाद पदम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था, वो मार्केट पूरा तोड़ फोड़ दिया गया है रोड वाइडनिंग के लिए। तो फिर हम लोग इधर उधर भटकते भटकते फाइनली जाकर हम लोग को एक गेस्ट हाउस मिला, जहाँ पे 3 लोगों का 2,000 रुपया वहाँ पे सामान वामान रख दिया। फिर भूख लग रहा था तो हम लोग बहुत जल्दी पदम आ गए थे, पता भी नहीं चला किस तरह से चला है, बहुत फास्ट एकदम, तो भूख बहुत लग रहा था। फिर हम लोग बाइक लेके निकले, मैं शारणों था निशान भाई होटल के रूम पे बैठे हुए वहाँ पे एडिट वगैरह कर रहे थे, तो हम लोग सोचे कि चलो खाना खाने चलते, वहाँ पे कैफ़े आलिया तो करके एक है, वो भी पूरा मतलब डेमोलिश टाइप हो गया, बट था हम लोग खा पी के थोड़ा पेट वेट भर के अभी पदुम से 7.5 किलोमीटर दूर आ गए हैं सानी गांव। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, एकदम पीसफुल, और बिल्कुल ना स्पेशली ये लेक के साथ ये बुद्धा का जो स्टैचू है बहुत मस्त लगता है दिखने में, तो इसलिए घूमने के लिए आ गए।
भाई ये पूरा का पूरा जो पानी है ना, ये पूरा स्प्रिंग वाटर है, मतलब वहाँ पे है, वहाँ पे स्प्रिंग, जैसा स्प्रिंग वाटर हम लोग करग्याक में पिए थे ना, बिल्कुल वही स्प्रिंग वाटर है। मतलब ये ऐसे पूरा मियांडर होते होते फिर वहाँ मेन जो रिवर आ रहा है जंस्कार रिवर, उसमें जाके मतलब मीट हो जाता है। भाई इतना साफ पानी है ना, देख के मन कर रहा है कि कूद जाए। और गर्मी भी हो रहा है पदू में, पदू में भी टेम्परेचर 27-28 डिग्री के आसपास है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है पदू में। तो देख रहा हूँ मैं हल्का सा बस टी शर्ट पहन के राइडिंग जैकेट वगैरह सब रख दिया रूम पे। पदू में भी ले के तरफ पूरा बड़ा गेट बन रहा है एकदम, एंट्री द पदू एंट्री बड़ा गेट बन रहा है पदू। बोला ना मैं बन जाएगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है इसका, बहुत जल्द बन जाएगा। एयरपोर्ट एयरपोर्ट ना बना दे अभी, देखना देखने को मिलेगा यहाँ पे बन गया पदुम एयरपोर्ट, पदुम हेलीपैड, या फिर ले से हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी कर दिया और फिर यहाँ पे बड़े बड़े होटल बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से एक रास्ता चला था वो चल जाता है कारशा, सांगला, सब इस तरफ निकलता है। ये है रूम, यहाँ पे देखो एडिटिंग चल रहा है। क्या देख रहे हो? वेब सीरीज। रूम से भी मस्त व्यू है, यहाँ पे पूरा पहाड़, ये वाला वो ग्लेशियर वाला पहाड़, यहाँ से बाइक यहाँ नीचे रखा हुआ है, एक्स्ट्रा बेड लग गया। तो पदुम पहुंच के हो चुका है लगभग 4-5 घंटे, हम थोड़ा घूम लिए सानी गांव, फिर घूम के आके फिर रूम में फ्रेश फ्रेश होने के बाद हम लोग थोड़ा सा वॉक पे निकले थे। और वॉक पे निकल के जो लोकेशन भैया ढूंढ के निकाले, एक्चुअली अकेले अकेले चल देते कहीं भी, तो ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँच गए थे एकदम क्लिफ्स एज पे। पूरा जो रोड जाता है ना जांगला की तरफ, वो वाला वो उस साइड वाला व्यू मिल रहा था माउंटेन्स का। और इतना हवा चल रहा था ना यार, इतना तेज गजब लग रहा था, मतलब धूप में देखा नहीं जा रहा सामने, इतना कड़क धूप है। वहाँ पे हमने कम से कम आधा घंटा टाइम स्पेंड कर लिया। और यहाँ पदुम के बीच में एक जो मेजर अट्रैक्शन है ना, वो है एकदम सिटी के बीचों बीच एक बड़ा माउंटेन है और उसके ऊपर पूरा ग्लेशियर से ढका हुआ है। अभी कॉपी वॉपी करने में लगा दिए, सारा सब कुछ चार्ज करने में लगा दिए यहाँ पे। और कल सुबह हम लोग को जल्दी निकलना है क्योंकि कल हम लोग को चलाना है लगभग 300 किलोमीटर टू रीच ले। और ले पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक है वाया चिलिंग होके जो निम्मू निकलता है, और दूसरा रास्ता है सिसिला सिंगिला होके डायरेक्ट लामायूर होके फिर ले। तो ये वाला रास्ता लंबा है, लेकिन ये दूसरा वाला जो चिलिंग निम्मू वाला रास्ता है ये बिल्कुल नया है, और इसमें पता नहीं हम लोगों को कि अलाउ कर रहे कि नहीं कर रहे। फिजिबल होगा वैसा करेंगे और आगे बढ़ेंगे ले की तरफ, बट फिलहाल तो भूख भयानक जोर लग गया, तो नीचे चलते कि देखते खाना पीने का क्या प्रबंध है। ये वो कश्मीरी वाजवान के पहले भी आते हैं ना, वाजवान के पहले, हाँ एकदम मस्त गर्मा गर्म रोटी यार, दो दो रोटी लो, दाल गर्मा गर्म रोटी। अच्छा डाल दो डाल दो डाल दो यार, ये चिकन भी आ गया एकदम मस्त, एकदम वाजवान स्टाइल बना, टेस्ट लग रहा है बढ़िया। ये नहीं सोचा था हमने। यार हमने खिड़की खोला रख दिया था नीचे डिनर करते जाने वक्त, पूरा कीड़ा घुस गया अंदर में यार। खाना वाना खा के पेट अपना फुला लिया, थोड़ा आगे की तरफ कर लिया एयर बैग्स क्योंकि कल हमें चलाना बहुत लंबा, बस रास्ते में 3-4 बार पॉटी ना आ जाए उसी का टेंशन है, क्योंकि कुछ है नहीं उस रास्ते में ज़्यादा कुछ। लाइट वाइट जला के खिड़की खोल के चले गए तो कीड़े वगैरह घुस गए, देखते अभी लाइट ऑफ करके निकालते उसको। और खाना बहुत बढ़िया था यार नीचे होम स्टे में, मतलब एकदम हाथ वाथ धुलाने से लेके खाना खिलाना तक सब एकदम ट्रेडिशनल तरीके से नीचे बैठ के पूरा बढ़िया से हुआ। मुझे व्लॉग करने का मन कर रहा था, लेकिन होता है ना एक पर्सनल टच से जब कोई करता है ना कुछ, मतलब वो कैमरा उठा के वैसे बीच बीच में बोलने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग चुपचाप खा ली एकदम बढ़िया से और अभी रूम पे आ गए। तो चलो ये जो जर्नी रहा आज का मेरा गौनवो रंजन से पदुम तक का, इसको मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। देखो बीएमडब्ल्यू चला रहा हूँ लेकिन फिर भी हम लोग ना बजट बजट करके चल रहे, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर खर्चा कर रहे, ठीक है। कैंपिंग भी कर रहे, बजट भी कर रहे, होम स्टे में रुक रहे हैं, तो ऐसा नॉर्मली रहूँगा मैं, वैसा वो अपर 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 क्लास पर नहीं चला गया हूँ, ठीक है ना। कमेंट लग गई, एक कमेंट लग गया मेरे को। चलो आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में,
बहुत सारा एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि कौन सा रास्ते से हम लोग जाएंगे हमें भी नहीं पता, तो पूरा सरप्राइज रहेगा अगले वीडियो में।